व्हाट्स अप फ्रेंड्स, तो आज के आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल खेला आछे, तो ওটাতে আজ কি ইন্ডিয়া ভার্সেস অস্ট্রেলিয়া উঠেছে সম্রাট সবাই জানো। তো আজকে ম্যাচটাতে কারা জিততে পারে এই জন্য এটা রিভিউ নেওয়ার জন্য আরও ভিডিওটা বানানো। তো কারা জিতবে একটু স্পেশালি যারা ইন্টারেস্টেড আছো বা যারা অভিজ্ঞতা বেশি আছে তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে কারা জিততে পারে আর কতটা কি রান হবে, এটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার, আর পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে জিনিসটা হচ্ছে ওই জিনিসটা শোনো ভালো করে মন দিয়ে। তো ওটা ভিডিওটা দেখলাম আরও ভালো লাগলো, তো ওটা থেকে আমি কিছুটা আইডিয়া করলাম আর তোমাদের আইডিয়াটা আমি জানতে চাই, তারপরে আমার আইডিয়াটা আমি লাস্টে কমেন্ট করে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবো। আর তোমরা বেশি বেশি করে কমেন্ট করো আর কারা জিতবে। তো টাটা, বাই বাই। খেলার সময় দেখা হচ্ছে, এটা ভিডিও তো ছোট ভিডিও, তখন খেলার সময় লাস্টের দিকে ফার্স্টের দিকে এটা আপলোড করবো। ফটোশুট আইসিসি কি তরফ সে করাযা জাতা হ্যায়। अब इस तस्वीर में आप देखिए, साल 2007 के विश्व कप में जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी और श्रीलंका को हराया था, उसमें फोटो शूट करवाया गया था। उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगकारा का फोटो शूट करवाया गया है, क्योंकि यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी। इसके बाद नीचे माइकल क्लार्क और ब्रेंडन मैकलम की तस्वीर है, क्योंकि यही दोनों टीमें 2015 के विश्व कप फाइनल में पहुंची थी। और उसके बाद एओन मॉर्गन और साथ ही साथ केन विलियमसन का तस्वीर है जो 2019 के विश्व कप फाइनल में पहुंची थी। और फिर इस बार का यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों की तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ रोहित शर्मा खड़े हैं और एक तरफ पैट कमिंस। लेकिन अगर बीते 5 विश्व कप के बारे में जाएंगे तो दोनों ही तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि जो भी कप्तान ट्रॉफी की दाईं ओर खड़ा है यानी कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर बाईं ओर खड़ा है, वही चैंपियन बना है। जैसे कि 2007 की तस्वीर देखिए, 2007 की तस्वीर में रिकी पोंटिंग ट्रॉफी की दाईं ओर खड़े हैं और महिला जयवर्धने ट्रॉफी की बाईं ओर। यानी कि अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे यानी कि हमारी बाईं ओर जो भी कप्तान खड़ा होता है वही ट्रॉफी जीतता है। जैसे कि साल 2007 में रिकी पोंटिंग ने जीती, साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने जीती, साल 2015 में माइकल क्लार्क ने जीती, साल 2019 में ओएन मॉर्गन ने जीती और फिर साल 2023 में आप रोहित शर्मा जीतने जा रहे हैं, ये अभी से तय हो चुका है। लेकिन अभी वो वीडियो बाकी है जिसने इस बात की और पुष्टि कर दी है। दरअसल पैट कमिंस को ऐसा लग रहा था कि जो भी ट्रॉफी की दाईं ओर खड़ा होता है वो ट्रॉफी जीत जाता है, इसलिए जब ये फोटोशूट हो रहा था तो पहले पैट कमिंस ट्रॉफी की दाईं ओर खुद जाकर खड़े हो गए। लेकिन ये देखिए, वहां पर चुपके से किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आईसीसी द्वारा आधिकारिक एक महिला आती है, पैट कमिंस से कुछ कहती है, पैट कमिंस को दाईं ओर से बाईं ओर बुलाती है और उस जगह पर जहां पर विजेता कप्तान हमेशा खड़ा होता है वहां पर रोहित शर्मा को खड़ा किया जाता है और पैट कमिंस को दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जाता है। यानी कि लक जिसके भी साथ होता है उसकी तरफ रोहित शर्मा को खड़ा किया गया है और बाईं ओर जो हारने वाले कप्तान जहां पर खड़े होते हैं वहां पर पैट कमिंस को खड़ा किया गया है। ये वीडियो चुपके से वहां पर किसी ने शूट कर दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। सवाल यही है कि आखिरकार अगर पैट कमिंस ट्रॉफी की दाईं ओर खुद से खड़े हो गए थे तो उसमें दिक्कत क्या थी। लेकिन नहीं, दाल में कुछ तो काला जरूर है। शायद आईसीसी भी चाहता है कि रोहित शर्मा और टीम इंडिया इस बार चैंपियन बने, इसीलिए रोहित शर्मा को उस तरफ खड़ा किया गया जहां पर हमेशा विजेता कप्तान खड़े हुए और जिधर वाले कप्तान हमेशा हारा है उस तरफ पैट कमिंस को खड़ा कर दिया गया। ये सारी ही चीजें सबसे छुप कर की गई, लेकिन किसी ने इसका वीडियो बना लिया और पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह ये वीडियो फैल चुका है। इस वीडियो का तो यही इशारा है कि टीम इंडिया तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने जा रही है। हो सकता है इससे पहले एक कप्तानों के साथ ये महज एक संयोग हो कि एक तरफ जो खड़ा होता है वो जीत रहा है और दूसरी तरफ जो खड़ा होता है वो हार रहा है, लेकिन इस बार रोहित के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया है, जो कि इशारा करता है कि आईसीसी भी चाहता है कि टीम इंडिया ही इस बार की चैंपियन बने। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पेज को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लें।